हेलो फ्रेंड्स वेलकम टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स मैनुअली इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ टू आइडेंटिफाई द रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड व्हाट आर द रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स इफ यू हैव नॉट वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियोस प्लीज गोन थ्रू देम एंड लेट्स स्टार्ट सो मेथड टू रिजॉल्व द रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट मैनुअली इज़ बाय टेकिंग ऑफ द कवर ऑफ द सिस्टम एंड चेंज द स्विचेस और चंपर सेटिंग्स ऑन द कार्ड्स किस तरह से हम मैनुअली अपने सिस्टम को जो रिसोर्स कॉन्फ्लिक्स हैं उन्हें रिमूव कर सकते हैं उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं सो so, हमें सबसे पहले क्या है जो हमारा कवर है सिस्टम का उसको उतारिए और अपनी सिस्टम की स्विचेस जो होते हैं जो जंपर की सेटिंग्स हैं एडाप्टर कार्ड्स पे वो चेंज कीजिए नेक्स्ट इज दिस बिकेम ईजियर विद द हेल्प ऑफ प्लग एंड प्ले कार्ड्स अगर प्लग एंड प्ले कार्ड्स हैं तो उससे ये काम करना ईज़ी हो जाएगा आपकी जो कॉन्फिग्रेशन है प्लग एंड प्ले कार्ड्स की वो हो जाने के बाद आप डिवाइस मैनेजर सॉफ्टवेयर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में है आप वहाँ पर देख कॉन्फिग्रेशन कर सकते हैं प्लग एंड प्ले कार्ड की नेक्स्ट आपका प्लग एंड प्ले जो है उसके अंदर कुछ जंपर स्विचेज़ होते हैं सो so, आप उन्हें इनेबल कर दीजिए ताकि आप उन्हें ईजिली कॉन्फिगर कर सकें मानुअली नेक्स्ट आपके पास जो करंट सिस्टम सेटिंग है वो प्रिंट हो प्रिंट कर लीजिए आप उसे नोट डाउन कर लीजिए आप उसमें चेंज करने से पहले सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज करने से पहले सो so, इससे क्या होगा कि यूज़र को पता लग जाएगा कि उसने कहाँ पे स्टार्ट किया था कहाँ से स्टार्ट किया था और उसे कहाँ पे वापस पहुँचना है अगर उसने फिर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को ही रिस्टोर करना है तो नेक्स्ट इज़ फाइनली द सर्च फॉर द अडाप्ट मैनुअल्स नेक्स्ट आप सर्च कीजिए अडाप्ट मैनुअल्स के अंदर और वहाँ पे आपको ज़रूरी है कि आप सिस्टम के मानवली कॉन्फिगर करें मानवली कॉन्फिगर करें सो so, अगर आप जब आप ट्राई कर रहे हो डिफ़रेंट रिसोर्स सेटिंग्स को तो आपके मन में कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके पास कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके दिमाग में आएंगे जैसे कि आपके पास अगर दो सिमिलर डिवाइसेस हैं सिस्टम के अंदर तो क्या वो वर्क करेंगी अगर तो हमारा सिस्टम डिवाइस यूटिलाइज़ कर रहा है सी ओ एम पोर्ट दैट इज़ कॉम पोर्ट्स यूज़ कर रहा है जिसमें आपके माउस है मॉडर्म है सीरियल पोर्ट्स हैं तो वो फंक्शनिंग नहीं करेंगे और ये चांस भी है कि वहाँ पर आपके डिवाइसेज कॉन्फ्लिक्ट हो जाए नेक्स्ट इज कि आपका कॉन्फ्लिक्ट सबसे पहले कब आपको देखने को मिलेगा या आपको जो कॉन्फ्लिक्ट आपका अक्र हुआ है आपका जो कॉन्फ्लिक्ट आया है वो नए अडाप्टर कार्ड को इंस्टॉल करने पर आया था या फिर आपका नया कार्ड जो है वो इस इशू को कॉज को कर रहा है या फिर आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपके नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन पे आया या फिर उस सॉफ़्टवेयर को उस सॉफ़्टवेयर के सॉफ्टवेयर कोर्स कर रहा है उस कॉन्फ्लिक्ट को सो ये कुछ आपके पास आपके क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं जब आप उसकी मैनुअली कॉन्फिग्रेशन कर रहे हो नेक्स्ट इज डो अदर पीपल फेस द सेम प्रॉब्लम इफ़ यस हाउ डिट द रिजोल्व द प्रॉब्लम कि अगर किसी और के पास भी ये प्रॉब्लम आई है तो उसने उसे किस तरह से रिजोल्व किया होगा इंटरनेट न्यूज़ ग्रुप्स अमेरिका ऑनलाइन कम्प्यू सर्व आर प्लेस दैट हेल्प दूसर द कॉन्फ्लिक्स तो ये कुछ आपके पास प्लेस हैं जो इन रिजोल्वस करती हैं इन कॉन्फ्लिक्स को उन्होंने रिजोल्व किया मानवली सो so, एक चांस एक ही अगर आप चेंज करते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर तो ये ज़रूरी है कि आप चेक कर लीजिए कि आपका प्रॉपरली सिस्टम प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हुई है नहीं हुई अगर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो आप कहीं और कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर लें सो so, दूसरा भी ये है कि आप इंश्योर कर लीजिए कि आपका जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉपरली रिजॉल्व हो गई हैं उन्हें टेस्ट करके देख लीजिए प्रॉपरली नेक्स्ट कि अगर आपका कुछ रिजॉल्व अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हैं रिजॉल्व कर रहे हैं रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट को एक बार आप काम कर चुके हैं और आपको अपडेट करना पड़ेगा अपने सिस्टम कॉन्फिग्रेशन टैम को इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी वट इज दिस्टम कॉन्फिग्रेशन टैम प्लेट्स थैंक यू फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के लेटेस्ट वीडियोस आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के रिलेटेड आपको मिलती रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आ जाएँ थैंक यू फ्रेंड्स